नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, धनतेरस आने वाली है तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जानेंगे धनतेरस को क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें, और भूल कर भी कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। आज मैं इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से कुछ और भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, धनतेरस के दिन दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र और धनतेरस पर खरीदारी की जाती है। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं शुभ फल देने वाली और अक्षय रहती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन कौन सी 8 वस्तुएं भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, आज उसके बारे में जानेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा, धनिया, बही खाते, कपड़े, झाड़ू, पीली कौड़ी, नमक का पैकेट, धार्मिक साहित्य, औषधि, खील बताशे, माला, सजावटी सामान, गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, चांदी के सिक्के, गहने, मिट्टी के बर्तन, दिए आदि सामान खरीद सकते हैं। और धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए, मैं इसके बारे में बता रही हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, सबसे पहला है लोहा। लोहा शनि की धातु है, इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। दूसरा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम राहु की धातु है, यह भी घर में दुर्भाग्य का निर्माण करती है। तीसरा है स्टील। स्टील भी लोहा ही है, इसे खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। चौथा है प्लास्टिक। दोस्तों, प्लास्टिक खरीदने से बरकत में कमी आती है। पांचवा है कांच। कांच या कांच के बर्तन भी राहु की वस्तु है, जिससे घर में राहु का प्रवेश हो जाता है। छठा है काले रंग के कपड़े। इस दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी ना पहने। सातवां तेल या घी। इस दिन तेल या घी भी नहीं खरीदना चाहिए। आठवां चीनी मिट्टी के बर्तन। इस दिन चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर में बरकत नहीं रहती है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके जय कुबेर देव, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय कुबेर देव लिखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।